आज हम आपके साथ एक ऐसे भयानक मामले पर नजर डाले जा रहे हैं जो केस अपने आप में बहुत ही ज्यादा पेचीदा था। तारीख थी 5 सितंबर 2017 और शाम के करीबन 7 बजे एक आदमी पानीपत शहर में मंदिर बंद करने के लिए पहुंचा। पानीपत भारत के राज्य हरियाणा में एक शहर है। हालांकि इस दौरान जब वह व्यक्ति मंदिर के एक एक दरवाजे को बंद कर रहा था तो उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जहां उसने एक लड़की की लाश देखी। लड़की की लाश देखकर उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया हो और किसी ने अभी अभी यह अपराध किया हो। यह दृश्य देखकर वह व्यक्ति काफी ज्यादा घबरा गया, इसीलिए उसने जल्दी से पुलिस को फोन किया। बाद में जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि हत्यारे ने शव का चेहरा जला दिया है ताकि उसका चेहरा पहचाना ना जा सके। दूसरी ओर यह मामला पुलिस के लिए इसलिए भी अनोखा था क्योंकि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर ऐसा घटना अपराध बहुत कम होता है, इसलिए पुलिस को लग रहा था कि इस मामले में पीड़िता और आरोपी का सबूत जुटाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब उसे शव के पास से ज्योति नाम की लड़की का पहचान पत्र मिला जिसमें आधार कार्ड, कॉलेज आईडी और एक फोन भी था और इसी आधार कार्ड के जरिए ज्योति का पता भी लगाया गया। पुलिस को ज्योति के कॉलेज आईडी से यह भी पता चल गया कि वह बैचलर ऑफ आर्ट्स की तीसरे साल की छात्रा थी। इस पहचान पत्र दस्तावेज से यह पुष्टि हो जाती है कि वह सब ज्योति का ही था। इसके बाद पुलिस ने ज्योति के ही फोन से उसके परिजन को फोन करके संपर्क किया और परिजनों को परिस्थिति से अवगत कराया गया। अब ज्योति का परिवार पहले से ही काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उनकी बेटी सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए निकली थी और अब तक रात हो चुकी थी और वह घर नहीं लौटी थी। ज्योति के परिजनों को पुलिस द्वारा बताई गई जगह पर बुलाया गया और जब ज्योति के पिता मंदिर में लाश पड़ी देखे तो वह फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि वह उनकी बेटी की लाश थी। हालांकि ज्योति का चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था लेकिन उनके पिता उनके कपड़े, कद, बाल और घटना स्थल पर मिले सामान से उसकी पहचान कर लेते हैं। शव की पहचान करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने घटना स्थल पर ज्योति के शव की कुछ तस्वीर भी ली ताकि आगे जांच में तस्वीर काम आ सके। इसके बाद दूसरी तरफ पुलिस ने ज्योति की हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद 6 दिसंबर को पुलिस ने ज्योति का शव परिजनों को सौंप दिया। फिर भारी मन से ज्योति के परिजनों ने ज्योति का अंतिम संस्कार कर दिया। इस पूरी घटना के दौरान 5 सितंबर को पुलिस ने ज्योति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पानीपत पुलिस के ध्यान में एक और मामला सामने आता है जो सिमरन दुबे नाम की लड़की के लापता होने का था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस हैरान रह जाती है जब उन्हें यह बात पता चलती है कि सिमरन और ज्योति दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही क्लास में थे और दोनों 5 सितंबर से ही लापता थे। ज्योति की लाश पहले ही मिल चुकी थी लेकिन सिमरन के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। ज्योति की हत्या की खबर सुनकर सिमरन का परिवार भी काफी डर गया था। जैसे तैसे 5 और 6 सितंबर भी बीत गए। अब 7 सितंबर को सिमरन के पिता आलोक दुबे अपनी बेटी के लापता होने के मामले की अपडेट लेने पुलिस स्टेशन पहुंचे। वे देखते हैं कि कुछ पुलिस अधिकारी स्टेशन पर ज्योति के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारी उन्हें ज्योति की लाश की एक तस्वीर दिखाते हैं जो पुलिस ने घटना स्थल पर ली थी, लेकिन आलोक दुबे ज्योति की लाश की तस्वीर को ध्यान से देख रहे थे। अब इसी समय एक पुलिस अधिकारी ने पूछा कि आप इस तस्वीर को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो। जवाब में सिमरन के पिता ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उनकी ही बेटी हो सकती है। अब यह सुनकर पुलिस वाले बिल्कुल तंग रह जाते हैं और वह भी कहते हैं कि यह आप क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके जवाब में आलोक के पिता कहते हैं कि वैसे तो मैंने सिमरन को कभी ये कपड़े पहने नहीं देखा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बेटी सिमरन हो सकती है। अब यह सुनते ही थाने में मौजूद हर पुलिस कर्मी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अगर सिमरन के पिता जो कह रहे हैं वो सच है तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। इसके बाद पुलिस ने सिमरन के पिता को आश्वासित किया कि उन्हें घर भेज दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने ज्योति के घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं की और मामले को गुपचुप तरीके से सुलझाने पर विचार किया। बाद में पुलिस ने ज्योति के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जिसमें पता चल गया कि ज्योति की आखिरी बात कृष्णा नाम के लड़के से हुई थी। हालांकि इस कॉल डिटेल से यह भी पता चल गया कि ज्योति इस लड़के से रोजाना कई बार बात करती थी। ये देखते ही पुलिस तुरंत ज्योति के घर पहुंची और उसके पिता से कृष्णा के बारे में पूछताछ की। ज्योति के पिता को बस इतना पता था कि वह उनकी बेटी ज्योति का अच्छा दोस्त था और वह दोनों
कई महीनों से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ज्योति के पिता को एक बात अजीब लगी। ज्योति के सबसे अच्छे दोस्त होने के बावजूद कृष्णा ज्योति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। यह सुनकर पुलिस को कृष्णा पर शक हो गया। अब सस्पेक्ट के रूप में पुलिस वालों को लगने लगा कि कृष्णा ने ज्योति की हत्या की होगी और पकड़े जाने के डर से अपनी सबसे अच्छी दोस्त के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ होगा। इसके बाद पुलिस सीधा कृष्णा के घर पहुंच गई, लेकिन वहां एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई। कृष्णा के घर वालों ने बताया कि कृष्णा 5 सितंबर से ही 135,000 लेकर भाग गया है। यह जानकारी पुलिस का कृष्णा पर शक और भी गहरा कर गई। इसके अलावा पुलिस को किसी ने यह भी बताया कि कृष्णा जब पैसे लेकर भागा था उस वक्त सिमरन उसके साथ थी। इस खबर के बाद अब ज्योति की हत्या के लिए सिमरन पर भी शक होने लगा था, इसीलिए पुलिस ने अब स्थानीय अखबारों में दोनों की फोटो प्रकाशित कर दी और उनके बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की। इसकी जानकारी होने पर सिमरन के पिता आलोक दुबे थाने पहुंचे और सिमरन के अपहरण के आरोप में कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आलोक के पिता ने कहा कि उनकी बेटी के चरित्र पर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं। हालांकि इसके बाद भी पुलिस ने कृष्णा और सिमरन का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया हुआ था। इस दौरान पुलिस कृष्णा और सिमरन के स्मार्टफोन को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों के फोन बंद होने की वजह से उनकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि थोड़ी देर के इंतजार के बाद कृष्णा अपना फोन ऑन करता है और उसकी लोकेशन भारत के खूबसूरत शहर शिमला में ट्रैक हो जाती है। कृष्णा की लोकेशन का पता लगते ही पुलिस एक टीम तुरंत शिमला के लिए रवाना हो जाती है। शिमला पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से वह शिमला के सभी होटलों की तलाशी लेने लगती है। इस तलाशी के दौरान सैकड़ों होटलों की तलाशी ली गई, लेकिन तभी एक होटल के रजिस्टर को देखकर पुलिस को शक हुआ। दरअसल उस होटल में कृष्णा और सिमरन नाम से कोई ठहरा नहीं था, लेकिन पुलिस को दो नाम नजर आए जिसका पता पानीपत का था। इसके बाद पुलिस जल्दी से उनके होटल के कमरे के बाहर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। ज्योति ने दरवाजा खोला तो वहां कृष्णा बिस्तर पर लेटा हुआ था। पता चला कि जिस लड़की का अंतिम संस्कार ज्योति के परिवार ने किया था वह ज्योति नहीं थी बल्कि कोई और ही थी। पुलिस से बचने के लिए दोनों ने होटल के रिसेप्शन पर अपना नाम श्याम और राधा बताया था, लेकिन उन्होंने अपना पता नहीं बदला था, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ लिया गया। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे। पहला, अगर ज्योति जिंदा है तो वे लड़की कौन थी जिसका अंतिम संस्कार ज्योति के परिवार ने किया था, और दूसरा, पुलिस को यह भी नहीं पता था कि सिमरन कहाँ है। अब पुलिस कृष्णा और ज्योति दोनों को अपने साथ लेकर पानीपत वापस आ जाती है। थाने में ज्योति के पिता को बुलवाया जाता है और ज्योति के पिता अपने सामने जिंदा देखकर ज्योति को हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब तक यह मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका था, इसीलिए पुलिस ने उन्हें विस्तृत पूछताछ के लिए सबूत जुटाने के लिए कोर्ट में पेश किया। यहां से पुलिस ने ज्योति और कृष्णा को 4 दिन के रिमांड पर रख लिया। इसके बाद शुरू होती है कड़ी पूछताछ की प्रक्रिया। इसके तुरंत बाद वे पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू करते हैं जो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की सीक्रेट स्टोरी से कम नहीं थी। दरअसल ज्योति और सिमरन दोनों ही NSS की सदस्य थी, इसीलिए वे आसानी से दोस्त बन गई। इसके अलावा वे दोनों एक साथ NSS में कृष्णा से भी मिली। हालांकि इस दौरान ज्योति को पहली नजर में ही कृष्णा से प्यार हो गया और जल्द ही कृष्णा को भी इस बारे में पता चल गया कि ज्योति उसे प्यार करती है। इसके बाद वे दोनों अक्सर मिला जुला करते थे और जल्द ही एक दूसरे का प्यार उन दोनों के लिए इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह शादी करने का फैसला कर लिए। हालांकि समस्या यह थी कि ज्योति और कृष्णा अलग अलग जातियों से थे, इसीलिए ज्योति जानती थी कि उसका परिवार कभी भी कृष्णा से शादी के लिए सहमत नहीं होगा। पर उन दोनों का रिलेशन उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां से वह एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। कृष्णा ने शादी के लिए ज्योति को अपने घर से भाग जाने की योजना के बारे में बताता है, लेकिन ज्योति कृष्णा की इस योजना से सहमत नहीं थी, क्योंकि ज्योति ने कृष्णा से भागकर शादी कर ली तो यह उसके परिवार और समाज के लिए बहुत शर्म की बात होगी। इसके बाद उन दोनों ने एक ऐसे विचार पर मंथन करना शुरू कर दिया जो उन्हें जीवन भर साथ रखने की अनुमति दे। इसीलिए उनके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जो बहुत डरावना था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा दिखाएं कि हम दोनों ही मर चुके हैं, और हमारे शव अगर हमारे परिजनों को मिल जाते हैं तो उन्हें लगेगा कि हम मर चुके हैं और कोई भी हमारी तलाश नहीं करेगा, और इसके बाद वे दोनों अलग अलग राज्यों में आसानी से रह सकते हैं। अब सिमरन की लंबाई और शरीर हेयर स्टाइल बिल्कुल ज्योति की तरह थी, इसीलिए दोनों ने अपना पहला शिकार ढूंढ लिया। लेकिन अब कृष्णा अपने दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ा, जहां उसे अपना दोस्त मंजीत दिखा जो देखने में कृष्णा से कुछ कुछ मिलता जुलता था।
इसके बाद ज्योति ने सिमरन को बताया कि उन्हें कॉलेज में होने वाले नाटक की रिहर्सल के लिए बुलाया गया है। इसी बीच कृष्णा ने भी मंजीत को भी ऐसे ही NSS कैंप के बाहर मंदिर में बुला लिया और उसने मंजीत को कहा कि वहाँ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी आ सकते हैं जिससे हमारी मीटिंग हो सकती है, इसीलिए तुम जल्दी आना। लेकिन किसी दौरान मंजीत को कॉलेज से कुछ काम आ गया, इसी वजह से वह मंदिर नहीं आ पाया। लेकिन ज्योति के कहने पर सिमरन पहले ही मंदिर पहुंच चुकी थी, इसीलिए जैसे ही कृष्णा और ज्योति ने सिमरन को देखा, उन्होंने सबसे पहले सिमरन को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जिससे सिमरन को नींद आने लगी। उसमें नींद की गोलियां उन्होंने पहले से ही डाल रखी थी। थोड़ी देर के बाद सिमरन बेहोश हो गई। उसके बाद कृष्णा ने बेरहमी से सिमरन का गला घोंट दिया। इसके अलावा ज्योति ने सिमरन के शव के पास अपनी कॉलेज आईडी, अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल भी छोड़ दिया, क्योंकि अगर पुलिस शव की इन्वेस्टिगेशन करे तो उसे यह लगे कि यह शव ज्योति का है। इसके बाद कृष्णा और ज्योति काफी देर तक मंजीत का इंतजार करते रहे। हालांकि मंजीत मंदिर नहीं आया क्योंकि वह कॉलेज में कुछ काम की वजह से कॉलेज में रुका रहा। इसके बाद कृष्णा और ज्योति दोनों अपने शहर से निकलकर चंडीगढ़ शहर चले गए जो पानीपत से करीबन 100 मील दूर था। हालांकि वे चंडीगढ़ में ज्यादा समय तक नहीं रुके और फिर वह वहां से बस पकड़कर शिमला शहर पहुंच जाते हैं। चंडीगढ़ से करीब शिमला शहर 7 मील दूर है। यहां उन्होंने रॉयल होटल नाम के एक होटल में कमरा बुक किया, लेकिन उन्होंने अपना नाम गलत लिखवाया ताकि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें उनका नाम ना मिल पाए। लेकिन पुलिस ने आखिरकार उन दोनों को ढूंढ निकाला तो वे खुद हैरान रह गए कि पुलिस ने उन्हें इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। लेकिन पूरी सच्चाई सामने आने के बाद सिमरन का परिवार सदमे में डूब गया, क्योंकि एक तो दो बेरहम लोगों ने अपने फायदे के लिए उनकी बेटी को मार डाला और दूसरा उन्हें अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि सिमरन के शव के पोस्टमार्टम के दौरान फोरेंसिक एक्सपर्टों ने उनके शव से कुछ सैंपल सुरक्षित करके रख लिए थे। इसके बाद जब सिमरन के माता पिता का भी ब्लड सैंपल लिया गया तो उनका DNA मंदिर में मिले सिमरन के शव से मैच हो गया। इसके बाद पुलिस को यह भी पता चल गया कि शिमला के होटल में जिन फर्जी दस्तावेजों के साथ कृष्णा और ज्योति रुके थे, वे कृष्णा को उसके एक दोस्त ने मुहैया कराया था। लेकिन इस खुलासे के बाद पुलिस ने कृष्णा के उस दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कृष्णा और ज्योति को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस बीच इस केस की सुनवाई चलती रही और साल 2020 में कृष्णा की बीमारी के चलते जेल के अंदर ही मौत हो गई। इसी दौरान कोर्ट में कुल 26 लोगों की गवाही हुई और आखिरकार 28 मार्च 2023 को कोर्ट में ज्योति को सिमरन की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट के इस फैसले के बाद सिमरन की मां ने कहा कि आज मेरी बेटी को वाकई में इंसाफ मिला है। मेरी बेटी बेकसूर थी, उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी ज्योति की हत्या करने वाला आज उम्र कैद की सजा काटने वाला है। इस केस में मंजीत की किस्मत सबसे अच्छी रही क्योंकि वह कृष्णा और ज्योति के मंसूबों से बच गया। इसीलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। शायद भगवान ने ही कृष्णा को सजा दी थी। कृष्णा कोर्ट में चल रहे केस के दौरान ही जेल के अंदर एक भारी बीमारी से ग्रसित हो गया और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हुई। जेल के कैदियों ने बताया कि कृष्णा मरने से पहले भगवान से हर बार मनाता था कि उसकी मौत जल्द से जल्द हो जाए। उसकी मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि शायद भगवान ने सिमरन की मौत का बदला उससे ले लिया था। वहीं ज्योति को भी भगवान ने इस कदर तोड़ दिया था कि जिसके साथ वह उम्र भर रहना चाहती थी, अब उसे पूरी जिंदगी उसके बगैर जेल के अंदर काटना होगा। दोस्तों, यदि आपके पास कोई स्टोरी है जिसके ऊपर विस्तृत रूप से एक बहुत ही अच्छे क्राइम थ्रिलर स्टोरी बनाई जा सकती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने शहर की किसी स्टोरी के बारे में बताएं जिसके बारे में हम आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर दे सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हम अगली वीडियो के लिए प्रोत्साहित होकर अच्छा कॉन्टेंट लाने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपको अगले स्टोरी के साथ। धन्यवाद।